हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आपका क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। आज स्टार्टिंग है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो समाकलन के अनुप्रयोग कुछ नहीं है, देखो क्या दे रखा है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा जैसे हम इंटीग्रल करते आ रहे थे, वही काम करना है बिल्कुल सेम, बस थोड़ी सी लिमिट वगैरह चेंजिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्व कैसे बनेगा, वक्र कैसे बनेगा, वो आपको मैं सिखाई दूंगा विद इन सेकेंडों में। मेरे पास सिखाने का तरीके हैं, मेरे पास बहुत अलग अलग मेथड्स रहते हैं सॉल्व करने के क्वेश्चनों को। टेंशन बिल्कुल भी लेना मतना, वैसे छात्र में कुछ भी नहीं करना पड़ता। एरिया की बात आती है जब भी आपसे एरिया पूछता है तो उसके एक्सिस के ऊपर बात होती है, ए से बी के ऊपर वाई डी एक्स के बारे में बात कर रहा है। तो समझना मेरी बात, जैसे ध्यान से dx पर काम कर रहा है। dx का मीनिंग छात्रों ये होगा कि आपको जो लिमिट्स गिवन होंगे, मैं अपनी भाषा में सिखाऊंगा, किताबी भाषा से ना लेके चलूंगा। x की लिमिट आपको a आ गई और दूसरी लिमिट आ गई x बराबर b आ गई। तो समझ लेना आपको जो dx फॉर्म में बनेगा, dx की टर्म में बनने वाला है 100%। ये हुई बात y एक्सिस की। y जो भी आपको गिवन वक्र होगा, जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की बात करते हैं, तो छात्रों यहाँ से आपको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तब यहाँ से ये वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी और सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा। पॉइंट आपको मैं बिल्कुल ही सेकेंड में कुछ करने सिखाई दूंगा। एरिया जब आपको डी एक्स दिया हुआ है छात्र, अगर हम बात करते हैं अगले टर्म की, तो अब यहाँ बात कर दी डी वाई की, जब आपको डी वाई में टर्म से दे रखा हो। बात यहाँ तक भी कोई भी समस्या किसी भी छात्र को नहीं रही होगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी लेना मत ना, मैं आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसे प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अगर हम बात करते हैं काम होता है स्टूडेंट, यहाँ पर वाई बराबर एफ एक्स के कोई फंक्शन गिविन है, और जब गिविन है और अगर कोई ग्राफ के बारे में अगर बात करनी चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे वाई बराबर छात्रों ये है आपका एफ एक्स, जो भी मैंने आपको पहली बातें डिस्कस कराई। तो ये जो y जो काम कर रहेगा ना, ये y काम करेगा आपके कौन से पर, वर्टिकल पर काम करेगा, हॉरिजॉन्टल पर जो काम करेगी बात करेगी x एक्सिस। जैसे बात करते हैं अगर हम स्टेप की बात करना चाहें, तो छात्रों ये जो काम करेगा दिस इज द ये वाला टर्म्स काम करेगा। टेंशन फ्री हो गए, कोई भी दिक्कत आई, ये काम कर रहा आपका dx पर और ये काम कर जाएगा आपका dy पर। ठीक है, टेंशन फ्री, दिस इज द ये हुई मेन बात। अब बात करते हैं थोड़े से अलग की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और बिल्कुल जैसे कि आप सॉल्यूशंस करते आ रहे हो उसी टाइप से आपको करने हैं। टेंशन लेना मत ना, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सिखाऊंगा, मैं कैसे सिखाने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बस सीधा सीधा इस पर आपको वर्किंग यही करना है, एरिया ही फाइंड आउट करना है, हर क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट करना। जब भी आपसे बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ऑक्टेन आता है, तो कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं, तो छात्रों समझना उसका क्या क्या रूल आएगा। टेंशन मत लेना, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखना अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लूंगा और आपको वर्किंग दिखाएंगे अभी करके। ठीक है, देखो वक्र बनाना सिखाऊंगा, कैसे वक्र बनता है। ठीक है, टेंशन ना लेना, इन डायग्रामों का चक्कर में मत पड़ो, आ जाओ तुम। मैं ऐसा भी क्वेश्चंस करा दूंगा जिनको डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको ऐसे भी करा सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा बस ध्यान देना बस अपनी इस पर, और मैं वर्किंग कराऊंगा, किताबी मेथड का इस्तेमाल थोड़ा कम करूंगा मैं, देखते जाओ अब तुम। टेंशन ना ले, टेंशन नॉट। तो एक्सरसाइज आती है आपकी, कौन सी एक्सरसाइज है, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, एरिया क्षेत्रफल फाइंड आउट करवा रहा है। कोई कर्व दे रखा है, कर्व आपको दे रखा है मतलब वक्र दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, जहाँ पर आपको कुछ लाइन दे रखी है एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 पे काम कर रहा है और बोल रहा है कि एक्स एक्सिस। टेंशन फ्री नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो एक बार बताओ थोड़ी सी ध्यान से, मैं आपको वर्किंग कराऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, समझिए बात को, परवेला कैसे बनता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। समझना मेरी बात ध्यान से, बेस्ट जैसे मैं सिखाऊंगा, अभी मैं पूरी प्रॉपरली क्वेश्चंस पर नहीं आया हूं, नई क्वेश्चन सिखा रहा हूं। y की इविन पावर है, मैं आपको तरीके से सिखाऊंगा y की इविन पावर है, तो वक्र कहां बनेगा, x एक्सिस पर।
यदि बात करता है y की, क्या है, इवन पावर है। इवन पावर का मतलब सम पावर, समघात, समघात, समघात है, घे समघात है, तो कहाँ बनेगा कर्व, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर कब बनेगा। अगर बात करते हैं एक्स स्क्वायर होता तो एक्स की क्या है, इवन पावर है, तो वक्र कहाँ बनेगा, वक्र कहाँ बनेगा, एक्स वाई एक्सिस पर, अपोजिट। अब वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स है, पैराबोला है, परवलय है, वाई है, वाई की इवन पावर, तो एक्स एक्सिस पर कब बनेगा, तो देखो एक्स एक्सिस कहाँ है रहा, ये परवलय बन गया, टेंशन फ्री। अब यहाँ की बात करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इसका मीनिंग वही है, परवलय ये भी, भाई इसके अकॉर्डिंग तो परवलय है, तो परवलय तो कैसे बन गया, थोड़ा ऐसा ना स्टूडेंट, थोड़ी आर्ट बेकार है हमारी, दिस इज द, ये दिस इज द वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये आपका परवलय बना। बात क्लियर ली हुई, ऐसे रिलेट करने सिखाऊंगा, टेंशन ना लें, हर क्वेश्चन में अलग अलग बातें सिखाऊंगा। अगर मैंने एक जगह ही एक बातें सिखा दी तो आप समझ, आप फिर क्या करने वाले हो, क्लास तो तुम पूरी देखते नहीं हो, इसलिए मैं आपको पूरी पूरी क्लियरली लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है। आगे और जानकारी दूंगा, नई नई जानकारी देने हैं मेरा ही काम है, ठीक है, नई नई जानकारी देना मेरा ही काम है, तो समझते रहना ध्यान से। अब तुमसे बोली उसने क्षेत्रफल के बारे में बात करिए, ठीक है, क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, टेंशन फ्री हो जाओ, क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। ये तो आपका वक्र ये आ गया निकल के, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, टेंशन ना लेना। किसकी बात कर रही है हमने, एरिया की, एरिया कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, लिमिट चेक करो पहले, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, आपकी अपर लिमिट होती है, वन से चार की लिमिट्स, और जो वर्किंग होता है एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आपको एक्स की लिमिट दे रखी है तो छात्र वाई डी एक्स निकल कर आता है। टेंशन फ्री हो गए, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, तो आइए वन से एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रूट एक्स इंटू डी एक्स, सॉल्यूशन किया, एक्स की पावर कितनी होगी, तीन बटा दो, तीन बटा दो, लिमिट कितनी आएगी, चार से एक की लिमिट, तो प्यारे बच्चों दो बटा तीन तो बाहर, जैसे आपने चार रखा, तीन बटा दो, वन की पावर तीन बटे दो, दो बटा तीन, जैसे आपने सॉल्यूशन किया तो दो की पावर तीन आठ हो गया, और आठ में से एक गया इतना, फोर्टीन अपॉन थ्री, तो ये आपका फोर्टीन अपॉन थ्री आ रहा होगा। एक मिनट चेकआउट करना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है, नया चैप्टर है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको क्या है। हाँ बिल्कुल, फोर्टीन अपॉन थ्री ही आंसर आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को नहीं है ना, टेंशन फ्री हो जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलता हूँ मैं, देखते जाओ, सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, टेंशन ना लेना, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में भी यही बात कही गई है, देखते जाओ ध्यान से, ठीक है ना, टेंशन फ्री हो जाओ, देखते जाओ, एक मिनट ध्यान से देखना। आ जाइए, अब वर्किंग करते हैं हम थोड़े से अलग। क्वेश्चन नंबर टू की, छात्रों इसमें भी आपसे एरिया पूछ रहा है, रीजन बाउंडेड है, रीजन बाउंडेड है, मैं करा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है, मैं करा दूंगा, रीजन बाउंडेड है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, वाई स्क्वायर बराबर नाइन एक्स है, एक्स की वैल्यू दो, एक्स की वैल्यू चार, लोअर और अपर, अपर लिमिट है, कम ज्यादा। तो आइए स्टूडेंट, तो मैंने सिखा ही रखा है, सबसे पहले कर्व बना लीजिए वक्र, तो वाई की भी पावर है, तो कर्व कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जो कर्व बनेगा दिस इज द ये कर्व, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम एरिया की,
लिमिट 2 से 4 की लिमिट, जब एक्स एक्सिस पे कब बनना है तो छात्र क्या आ जाएगा dx, दूसरा बच्चा क्या y, ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। तो 2 से 4 की लिमिट y कितना, ये तो आपके पास में y स्क्वायर की वैल्यू है 9x, तो y चाहिए तो आपको 9 रूट x आ जाएगा, तो छात्र ये आगा रूट 9x इंटू dx। तीन भार 2 से 4 की लिमिट रूट x इंटू dx, 3 इंटू एक्स की पावर कितनी 3/2 / 3/2, तो प्यारे बच्चों 4 से 2 की लिमिट, 3 से 3 कट गया कितना बचा 2, 4 रखो यहाँ 4 की पावर 3/2, 2 की पावर कितना 3/2। तो सॉल्व किया मैंने इसको, 2 का होल स्क्वायर बनेगा, भाई देखो समझो 4 की पावर 3/2 है तो 2 क्या होल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा तो 2 की पावर 3 आया, ये आगा 8 माइनस, इसका मीनिंग है 2√2, 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 16 माइनस के 4√2, और यही आप थिंक आपका आंसर होगा, ठीक है। टेंशन फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर लूँगा मैं अब थर्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, किताबी मेथड को लेकर मत चलो बिल्कुल भी, जैसे किताब में लिख रहा होगा बिल्कुल हिंदी विंदी सी सब, उसका मैटर की जरूरत ही ना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलो, ना ही कोई हिंदी लिखने की जरूरत, ना ही कुछ ज़रूरत, बस आपको वर्किंग करना है, सीधा सीधा रीजन निकालना है। सिखाएंगे कहाँ पर आपको 4 की मल्टीप्लाई, कुछ क्वेश्चनों में 4 की मल्टीप्लाई होती है ना, उसको बताऊंगा मैं, ये तो कंप्लीट आपको लिमिट दे रखी थी ना, इसी वजह से समस्या नहीं है आपको इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अब हम, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आपको करना होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एरिया निकालना रीजन बाउंडेड, जो रीजन आपका बाउंडेड, टेंशन ना करो मैं दूंगा आपको, दीर्घवृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 = 1, ठीक है, ये आपको दीर्घवृत्त दे रखा है, और दीर्घवृत्त आप सभी जानते हो। तो स्टूडेंट यहाँ के अकॉर्डिंग आपका दीर्घवृत्त की कंडीशन कैसे होती है, दिस इस टाइप की, तो ए का 1.1 कितना आया 4, बी कितना आया 3, ए का मतलब होता है एक्स एक्सिस, बी का मतलब क्या होगा वाई एक्सिस, समझते रहे ना मैं जैसे मैं सिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात करता हूँ वाई क्या होता है 0, तो यहाँ से एक पॉइंट कितना निकलेगा 4,0, और अगर बात करते हैं हम यहाँ की, मेरे पास कई कितने मेथड है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें हम छात्र कितना 0,3, ऐसे पॉइंट निकलना प्लस माइनस में, चलो मैं आपको ये बात तो रही बेकार, आसान बातें सिखाऊंगा, ये तो रहा, ये रही क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, प्यारे बच्चे जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे सीखना आपको, कोई नई बात नहीं सीखनी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसके लिए क्या करते हैं, पुट वाई बराबर 0 इस इक्वेशन में रख दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16/1 मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स की लिमिट कितनी आएगी प्लस माइनस के 4, ये पॉइंट आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ 4,0 और माइनस के 4,0, पुट अब क्या रख दो एक्स बराबर 0 इसी इक्वेशन में, तो यहाँ से आगे वाई स्क्वायर अपॉन 9/1 वाई स्क्वायर बराबर 9, इससे निकल गया वाई बराबर कितना प्लस माइनस 3, तो यहाँ से जो पॉइंट निकल गया 0,3 और 0,-3, इन पॉइंटों का मीनिंग होता है कि जो पॉइंट 100% कर्व आपका इसी से होकर गुजरेगा। चलो मैं बात कराऊंगा अभी, समझना
एक्स की भी इन पावर है और वाई की भी इन पावर है, तो कर्व कहाँ बनेगा, वक्र कहाँ बनेगा, बोलो, बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब एक्स पर भी बनेगा और वाई पर भी बनेगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट कितना होगा, 4.0 और माइनस के 4.0, ये पॉइंट होगा 0.3 और ये होगा 0.-3। तो जो मैंने कर्व बनाया अभी, तो मैं स्टूडेंट ये आपको मैं जनरल बातें सिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा सर ऐसे कह लो आप बच्चों, प्यारे बच्चों मैं आपको जनरल बातें सिखा रहा हूँ, ऐसी बात। देखो मेरे पे आर्ट थोड़ी बेकार सी छात्र मेरी, ठीक है, फिर से देख लो एक बार और बना के देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ एक बार और बनाने की। हाँ यार एक तरफ से बड़ा हो जाए, ठीक है, ये पैराबोला भाई साहब मेरा तो पैराबोला ऐसे ही बनेगा, ये 4.0 माइनस का, ये 4.0, ठीक है, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी कि सर पैराबोला कैसा बना दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे बनता है, कॉपी पर अच्छा बन जाता है, ठीक है, बात करते हैं। अब जब बोथ एक्सिस है तो छात्र देखो दोनों तरफ से निकाल लेना आंसर, दोनों से एक ही बात निकल कर आएगी। आ जाओ अब वर्किंग करेंगे असली खेल पर, क्वेश्चन पर आ जाइए, टेंशन ना लें। चाहे आप एक्स एक्सिस पर काम कर लो, चाहे आप वाई एक्सिस पर काम कर लो। चलो मैं पहले एक्स एक्सिस पर काम करके दिखाता हूँ, एरिया निकालना है, बाउंड्री रीजन की बात कर रहा है। यदि मैं पहले इसकी काम की बात करूँ, देखो चारों में अलग अलग है, चारों हैं सेम सेम बात है, तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। जब चारों में कहते एक साथ निकाल दो चारों का, चार की गुणा कर दो भाई सीधी सीधी, चार की मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी। अगर हम एक्स एक्सिस पर काम कर रहे हैं तो ये आगे डी एक्सिस, एक्स एक्सिस पर काम करें तो एक्स की लिमिट लगेगी, देखो एक्स की लिमिट कहाँ है, यदि यहाँ कौन सा पॉइंट है 0.0, तो 0 से 4 की लिमिट पॉइंट आ गई, 0 से 4 की लिमिट की पॉइंट आ गई, ठीक है। वाई का आता है यहाँ, वाई डी एक्स आता है ना, सही से लिख दें इसे, वाई की वैल्यू निकाल दो प्यारे बच्चों, देखो कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर कितना बन को दिलेगे, हार्ड ना लगने का आसान लगेगा, टेंशन ना लें, मैं थोड़ा जनरल लेके चल रहा हूँ आपको, जनरल बातें जो आपको प्रॉपरली कोई दिक्कत आए ना, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से लोग क्या करते हैं रटवाते हैं, मैं आपको पूरी बातें जानकारी लेके चल रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। वाई स्क्वायर बराबर 9/16 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, आपको वाई चाहिए तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये वाई इनका कर आ गया 3/4 अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 से 4 करके 3 बाहर आ गया, 0 से 4 की लिमिट अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इसको समाकलन आपको याद होना चाहिए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लगा दूँ रूल, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, मतलब ए कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, लिमिट आ गई 0 से 4 की लिमिट। अब मैं ये बात समझना ध्यान से जो मैं समझाने वाला हूँ, जब आपने 4 यहाँ रखा तो देखो ये 0 बन गया, ठीक है, यहाँ 4 रखो आप तो ये कट गया 8 बार, बाहर आ रहा आपका 3 साइन इनवर्स 1, अब आपने रख दिया 0 माइनस, जब आपने 0 होगा तो छात्र ये 0 और आपने रखा है यहाँ टर्म्स 0, तो प्यारे बच्चों कितना मिला यहाँ से 0, 8 या 24 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है साइन पाई बाई 2 की, तो सॉल्यूशन होने के बाद में कितना निकल गया 24 इंटू पाई बाई 2, 2 से काट दो 12 बार, तो प्यारे बच्चों 12 पाई आएगा आपका आंसर,
नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या भाई? चार रखा था जीरो, यहाँ चार रखा था साइन इनवर्स, चार अपन चार बट कट गया, ये था सोलह, चार को इसका सोलह बटे दो तो आठ ही तो बचा, बाहर तीन चल ही रहा था। एट साइन इनवर्स वन माइनस जीरो रखोगे तो ये जीरो, जीरो रखो तो भी ये भी जीरो, तो बचा था सात, ये वाली टर्म्स आठ या चौबीस साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, और पाई बाई टू को सॉल्यूशन लिया हमारा आगे निकल गया इतना। ठीक है, कोई दिक्कत है?